आज की ये वीडियो हमारे नए प्लम्बर भाइयों के लिए बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब होने वाली है। यदि आप प्लम्बिंग वर्क सीख रहे हैं तो आपके मन में कन्फ्यूजन होगी कि मेट्रोपोल फ्लश वाल्व के साथ में क्या क्या सामान आता है और उसका इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। इसके साथ साथ हम बाथरूम 3 इनलेट डायवेटर और बेसिन 2 इनलेट डायवेटर को भी अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे और इसका इंस्टॉलेशन की जानकारी हम देंगे। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए तो वीडियो को तरफ चलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखते होंगे, ये है जैकवार का 3 इनलेट डायवेटर और इसके साथ में ज़्यादा कुछ नहीं आता। ये सिर्फ इसके ऊपर ये ब्लैक की आप कैप देख रहे होंगे, ये इसके साथ में आती है। बाकी एक इंस्टॉलेशन एक कटलॉग दिया जाता है, आप ये जो कि हाथ में देख रहे हैं मेरे, आप इसको पढ़ के इसको आसानी से इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, इसको इसकी फिटिंग आसानी से कर सकते हैं। तो हमारे पास जो भी आइटम है वो सब जैगवार के हैं, मेट्रोपोल फ्लश वाल्व और बेसिन डायवेटर सब सारे आइटम हमारे पास जैगवार कंपनी के हैं। तो यहाँ से आप देख लीजिए कटलॉग में इसकी बैक साइड में शावर, उसके पास में कोल्ड टैंक वाटर और लेफ्ट साइड में हॉट वाटर और राइट साइड में फ्रेश वाटर का है नीचे स्पोर्ट। और ये हमारा बेसिन डायवेटर 2-way, 2 पानी का ये बेसिन डायवेटर है हमारा। इसके साथ में भी फिलहाल कुछ नहीं है कि काली सी के साथ में कैप है, बाकी इंस्टॉलेशन की पर्ची निकलती है वो। और ये रहा हमारा मेट्रोपोल फ्लश वाल्व, इसके साथ में भी एक ये काली सी ब्लैक सी एक कैप आती है और इस पर मिनिमम मैक्सिमम आप इतना जानते ही होंगे, इतना मिनिमम कम से कम इतना टेल आनी चाहिए, मैक्सिमम उससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। और ये इसके साथ में एक कैप और ये है इसके साथ में इसके नट बोल्ट वगैरह चकनट और इसमें है एक ये ब्लैक कलर की वार्सल जो हम कैप में लगाने वाले हैं, जो कि फाइनल में फिटिंग में लगेगी टेल लगने के बाद में लगेगी। और ये इंस्टॉलेशन गाइड है, इसको आप पढ़ के आसानी से लगा लीजिए। इसको लगाने का तरीका ज़्यादा इतना हार्ड है नहीं, इजी है। इसका इनलेट और आउटलेट देखना होता है, बाकी इसमें कुछ इतना है नहीं। तो यार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और फ्रेंड के साथ में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।